हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूपी बोर्ड हैप क्लासेस में। मैं विपिन सिंह, आपका भौतिक विज्ञान टीचर, एक बार फिर से आपके सामने। और लेक्चर नंबर 10 पर पहुंच चुके हैं बेटा, अर्थात 9 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं हमने इस चैप्टर के। और 9 लेक्चर जो कंप्लीट हुए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर हुए हैं, तो सभी लेक्चर जरूर देखिएगा। और जो बच्चे नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर नए हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले लेक्चर जो हैं आपको मिलते रहें और उसमें गैप ना हो आपकी क्लासेस में। ठीक है, आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, आपकी लर्निंग रुकनी नहीं चाहिए, इसलिए सब्सक्राइब करके रखें। और अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, जिनको ज़रूरत है, जिन्हें फिजिक्स सीखना है, जिन्हें फिजिक्स समझ में नहीं आती, उनके साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर करें मेरी, ताकि मैं उनको भी कुछ फिजिक्स सिखा सकूं और उनके भी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकूं। तो बस इतनी ही उम्मीद है, इतनी ही प्रयास से हम लगे हुए हैं, इसी प्रयास से। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 10 पर पहुंच चुके हैं। आज की क्लास का एजेंडा मैं आपको बता दूं, आज की क्लास का एजेंडा क्या है। तो हमने लेंस निर्माता का सूत्र पढ़ा था, कुछ बच्चों के कमेंट भी मैंने देखे इस पर, मैं बताता हूं कि क्या है उनके प्रश्न। तो जो आप लोग कमेंट करते हैं कमेंट बॉक्स में जाके वीडियो देखने के बाद, तो वो भी मैं पढ़ा करता हूँ और हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, तो उसका भी रिप्लाई आपको दिया करूँगा मैं नेक्स्ट क्लासेस से, इस तरह से जैसे आज मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही नेक्स्ट क्लासेस से। तो लेंस निर्माता का सूत्र, ये जो हमने पढ़ा था लेंस निर्माता का सूत्र, इसके कुछ स्पेशल केस पढ़ेंगे बेटा, स्पेशल केस पढ़ेंगे। स्पेशल केस बल्कि मैं बोल सकता हूं अलग अलग लेंसों के लिए, डिफरेंट लेंसों के लिए इस फॉर्मूले को कैसे हम लगाएंगे। फॉर्मूला कौन सा है आप जानते हैं, 1/F=μ-1 × 1/R1 + 1/R2 के, दिस इज़ द फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले का हमने प्रूफ देख लिया था, इस फॉर्मूले का हम डिफरेंट केस देखेंगे अलग अलग तरह के लेंसों के लिए, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समोत्तल लेंस, समावतल लेंस, उभयोत्तल लेंस, है ना, ऐसे कुछ करके। तो स्पेशल केसेस इसके दिखाएंगे, एक दो प्रश्न भी हम डिस्कस करेंगे, कुछ प्रश्नों का भी डिस्कशन होगा यहाँ पर, ठीक है। और प्रश्न के साथ साथ एक नई चीज़ भी सीखेंगे, वो है लेंस और दर्पण का संयोजन। तो ये टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने हैं, जो हम सीखने वाले हैं इस लेक्चर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेंस निर्माता का सूत्र हमने क्या पढ़ा था, उसके स्पेशल केसेस फिर हम देखना स्टार्ट करेंगे, फिर कुछ एक प्रश्न करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में मैंने लेंस निर्माता का सूत्र पढ़ाया आपको, जो कि लेंस निर्माता का सूत्र आप जानते हैं किस प्रकार से है। लेंस निर्माता का अगर सूत्र मैं लिखूँ तो 1/V−1/U = μ−1 × 1/R1 + 1/R2, ये फॉर्मूला है, लेंस निर्माता सूत्र कहलाता है। या इसी को आप लिखते हैं F=μ−1 × 1/R1 + 1/R2 के। तो आप ये वाला फॉर्मूला बोल दीजिए, ये वाला फॉर्मूला बोल दीजिए, दोनों सिमिलर है, दोनों सेम फॉर्मूले हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, दोनों सेम फॉर्मूले हैं। इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले की अगर मैं तुलना करूं तो आप देख सकते हैं दोनों फॉर्मूले की तुलना करने पर हमें लेंस सूत्र प्राप्त होता है। ये जो है, ये दोनों, मैं आपको बता दूं कि ये और ये दोनों लेंस निर्माता सूत्र हैं। लेंस निर्माता को मेकर भी लिखते हैं, मेकर। अच्छा, एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर ये लेंस इस फॉर्मूले से ही लेंस बनाए जाते हैं क्या? बिल्कुल, इसी फॉर्मूले से लेंस बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा जो व्यक्ति सही से देख नहीं पाता, जिसकी दृष्टि में दोष आ जाता है, दृष्टि दोष वगैरह आपने क्लास 10th में पढ़ा, इसलिए मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा रिलेट कर पाएँ। तो आपने देखा है कि किसी का चश्मा, कोई बोलता है कि मेरे चश्मा का पावर जो है वो -2 है, कोई बोलता है +2 है, कोई बोलता है +0.5 है, कोई बोलता है -0.5 है। तो किसी का प्लस होता है, किसी का माइनस होता है, किसी का प्लस होता है, किसी का माइनस होता है, प्लस में कुछ गिनती, माइनस में कुछ गिनती, ऐसे होती है, ठीक है। कुछ लोग दूर नहीं देख पाते, कुछ लोग पास की वस्तुएं नहीं देख पाते। तो इस तरह से अलग अलग तरह के जो दोष हैं उनको दूर करने के लिए अलग तरह के लेंस की ज़रूरत पड़ती है। अब कितना आपका, हर व्यक्ति का जो जिसको अगर मान लो दो व्यक्ति हैं, दोनों को दूर की वस्तुएँ नहीं दिख रही हैं,
तो हो सकता है एक व्यक्ति को 10 मीटर से आगे ना दिख रहा हो और एक हो सकता है एक व्यक्ति को 2 मीटर से आगे ही ना दिख रहा हो। तो एक को 10 मीटर से आगे नहीं दिख रहा है तो उधर की वस्तुएं देखनी है, 10 मीटर से दूर की वस्तुएं देखनी है, और एक को क्या देखना है, एक को 2 ही मीटर से आगे नहीं दिख रहा है तो 2 मीटर से लेके आगे तक की वस्तुएं देखनी है, तो दोनों को अलग अलग लेंस की जरूरत पड़ेगी। सेम चीज़ होता है पास के लिए कि एक व्यक्ति को जैसे यहाँ तक की वस्तुएं दिख रही है, मतलब 1 मीटर के अंदर तक की वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही हैं, बाकी वस्तु दिख रही हैं। कुछ को हो सकता है कि चलो 3 मीटर से अंदर की वस्तुएं नहीं दिख रही हैं, बाकी दिख रही हैं। तो अगर इस तरह की चीज़ें हैं, अलग अलग तरह के आंखों में दोष हैं, तो अलग अलग तरह के उनके लेंस भी लगने होंगे। तो लेंस जो बनाए जाते हैं वो इसी फॉर्मूले से बनाए जाते हैं। इस फॉर्मूले को अगर देखें तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम डिसाइड करते हैं कि लेंस की त्रिज्या क्या रखनी है दोनों साइड की, उसका अपवर्तनांक क्या होगा, ठीक है, उसकी फोकस कितनी होगी, ठीक है। तो फोकस दूरी, फोकस वगैरह लेंस का जब बनाते हैं, पावर जब बनाते हैं, तो ये फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। और डॉक्टर जो होते हैं, डॉक्टर इस फार्मूले के नहीं कि पेन कॉपी लेके बैठ के सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। सिस्टम होता है कंप्यूटर में, कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, उसके अंदर ये सब फेड है पहले से, ये फार्मूला उसके अंदर पहले से सेट है, ठीक है, उसके अंदर है, कोडिंग के थ्रू है। तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ इतना डालते हैं कि इतना पावर चाहिए। जैसे कोई मरीज है, किसी की आँख में, मान लो मेरी एक आँख में 0.5 लगेगा, प्लस 0.5, एक में लग रहा है, मान लीजिए 1+1 लग रहा है, दोनों का पावर अलग अलग, इसमें 0.5 है, चलो इसमें मान लीजिए 0.7 है। तो दोनों लेंसों के लिए, दोनों आँखों के लिए अलग अलग तरह के लेंसों की जरूरत पड़ेगी। तो डॉक्टर क्या करेगा, एक आँख के निकालेगा तो उसमें फीड कर देगा कि इसको इतनी पावर चाहिए, ठीक है। अब डॉक्टर को पता चल गया ना, एक चश्मा होता है जिसमें अलग अलग तरह के लेंस डालता है और कहता है शब्द आगे पढ़ो, जो दिखता है तो समझ जाता है कि ये पावर है, फिर वो पावर बना करके लेंस में दे देता है, ठीक है, चश्मे में पहना देता है। तो इसी फॉर्मूले के थ्रू ही बनता है, ठीक है। पावर जो डिसाइड होती है वो इसी, मतलब कटिंग नहीं होती, कांच को नहीं काटा जाता, इस फॉर्मूले से पता चलता है कि पावर क्या रखनी है, फोकस क्या रखनी है, ठीक है जी। अच्छा, इसी फॉर्मूले के इन दो इक्वेशन का अगर तुलना करें हम पहले और दूसरे का, जैसे हमने पिछले लेक्चर में दिखाया, तो इस समीकरण में देखो तो राइट हैंड साइड में वही चीज लिखी है, μ-1 1/r1 + 1/r2 μ-1 1/r1 + 1/r2, दोनों फॉर्मूले सेम है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड की तुलना करेंगे अगर, तो आप देखेंगे एक नया फॉर्मूला प्राप्त होगा, जो कि होगा 1/f, ये क्लास 10th में भी आपने पढ़ रखा है, 1/v, और माइनस हो जाएगा 1/u के। ये फॉर्मूला आप देखेंगे तो ये फॉर्मूला क्या है बेटा, ये लेंस सूत्र है, ये लेंस सूत्र है। जैसे आपने दर्पण सूत्र पढ़ रखा है, एक एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूं, दर्पण सूत्र आपने क्या पढ़ रहा है बेटा, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u पढ़ा है आपने, ठीक है। ये जो होता है, ये दर्पण सूत्र होता है, इससे पहले जो हमने सूत्र पढ़े, जो सवाल लगाए थे इसी पे लगाए थे, ये कहलाता है दर्पण सूत्र, ठीक। वो दर्पण सूत्र, ये लेंस सूत्र, ये लेंस निर्माता सूत्र, ठीक है। तो दर्पण सूत्र की हम बात नहीं कर रहे हैं, इसको हम पढ़ चुके हैं। लेंस सूत्र भी आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है, इस पर सवाल जरूर लगाने हैं, ठीक है, लेकिन इसका प्रूफ नहीं करना है आपको, प्रूफ यहीं से, ठीक है। इसकी समीकरण, इसकी दोनों की तुलना करने पर, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में किया था, दोनों की तुलना करने पर ये प्राप्त होता है लेंस सूत्र। अच्छा, अब हमें कुछ स्पेशल केस पढ़ने हैं, स्पेशल स्थितियां पढ़नी है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, कुछ स्पेशल स्थितियों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो हमने जो फॉर्मूला लिया है बेटा, ये जो फॉर्मूला लिया है, इसको हम एक एक लेंस के लिए देखेंगे, ठीक है। तो पहला हम ले रहे हैं स्पेशल स्थितियों में, पहला हम ले रहे हैं उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। इसकी खासियत क्या है, उत्तल लेंस किस प्रकार का है, मैं बता रहा हूं आपको, इसको थोड़ा सा डिफाइन करना होगा। उत्तल लेंस जो ले रहा हूं उसमें R1 त्रिज्या जो है बराबर R2 त्रिज्या है और बराबर R है, या इसको मैं और अच्छे से ऐसा लिख सकता हूं, पहले मैं चित्र बना लूं। उत्तल लेंस मतलब दोनों तरफ की जो त्रिज्याएं हैं वो अलग अलग नहीं है, दोनों तरफ की त्रिज्याएं बेटा सेम है लेंस की, ठीक है। तो ये पहली साइड हो गई, ठीक है, ये हम पहली साइड बोल रहे हैं और ये दूसरी साइड बोल रहे हैं, दूसरी साइड की त्रिज्या। तो ये पहले साइड की त्रिज्या है और इस साइड की त्रिज्या क्या है। तो अब जब हम दूरी मापते हैं बेटा, तो दूरी क्या मापेंगे, ये साइड इधर तरफ घूमी है तो यहां से प्रकाशिक केंद्र से इस तरफ की दूरी मापेंगे, R2 मापेंगे तो क्या आएगा,
धनात्मक आएगा कि ऋणात्मक? ऋणात्मक आएगा। आर वन मापेंगे तो धनात्मक आएगा। तो हम यहां पर ले रहे हैं कि आर वन जो है वो बराबर किधर बेटा, आर वन किधर घूमा, इधर की तरफ। तो इसको अगर एक काल्पनिक गोला ऐसे बनाएंगे बड़ा सा ऐसे, तो इसका केंद्र कहीं यहां आएगा, तो यहां से यहां दूरी जब मापेंगे तो ये धनात्मक आएगा ना, प्लस आर वन आएगा, जिसको मैं मान रहा हूं कि आर के बराबर है। ठीक है, तो कुल मिला के आर वन इक्वल्स टू हम लिखेंगे प्लस आर के, और इसी प्रकार से आर टू जब देखेंगे तो आर टू किधर घूमे बेटा, ये त्रिज्या इधर, तो इधर ऐसे काल्पनिक गोला बनाएंगे तो इसका केंद्र इधर आएगा, तो वहां तक की त्रिज्या क्या हो जाएगी, आर टू, और आर टू बराबर हम मान रहे हैं आर के, तो चिन्ह के हिसाब से, चिन्ह परिपाटी के हिसाब से माइनस हो जाएगा इधर की तरफ त्रिज्या। ये आपको समझाने के लिए था, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं आना है आपको, बस इतना समझना है कि R1 और R2 की दिशाएं थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये सतह उधर की तरफ मुड़ी है, तो उधर जब त्रिज्या की दूरी मापेंगे तो केंद्र से उधर जाएगा तो ये धनात्मक आएगा, और इस तरफ आएंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा। क्लियर, तो ये हम देख रहे हैं कि ऐसा है चित्र में, ये उत्तल लेंस ऐसा है कि दोनों तरफ की इसकी त्रिज्याएं बराबर है, मतलब दोनों साइड बराबर झुकी हुई है। ठीक है, दोनों साइड बराबर झुकी हुई है, लेकिन क्योंकि दिशा के हिसाब से देखेंगे तो एक प्लस और एक माइनस लेंगे हम। ठीक है, अब ये हो गया, तो अब लेंस सूत्र की बात करते हैं थोड़ा सा, लेंस निर्माता सूत्र की। तो लेंस निर्माता सूत्र से लेंस निर्माता सूत्र में देखें तो इसका फोकस हमें निकालना है, इसका फोकस मान रहे हैं कि हम F होगा। ठीक है, माना इसका फोकस F है, तो 1 बाई एफ बराबर निकालेंगे तो म्यू माइनस वन, पदार्थ का अपवर्तनांक तो म्यू ही मान के चल रहे हैं कि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है, म्यू है, तो म्यू माइनस वन, और यहां आ जाएगा वन बाई आर वन होता है ना, सूत्र देखिए, वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू, तो वन बाई आर वन, आर वन बराबर क्या बेटा, प्लस आर है, तो आर लिख लेंगे, प्लस चिन्ह लगाएंगे, वन बाई क्या है बेटा, आर टू। ठीक है, वन बाई क्या हो जाएगा बेटा, आर टू हो जाएगा, और आर टू बराबर यहां पर एक मिनट दीजिएगा बेटा मुझे, ठीक है एक मिनट बस दीजिएगा यहां पर, ओके। हाँ जी बच्चे, तो यहां पर जो प्रॉब्लम है वो ये आ गई है कि लेंस निर्माता का जो फॉर्मूला मैंने लिखा था उसमें मैंने चिन्ह परिपाटी, जैसे कि आपको दिखाया था, मैंने चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल नहीं किया था। तो अगर मैं चिन्ह परिपाटी के हिसाब से चलूं तो ये जो चिन्ह है ना बेटा, 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू आएगा, लेंस निर्माता के सूत्र के हिसाब से चलेंगे तो जो चिन्ह आएगा वो 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू, ये फॉर्मूला होता है जब हम चिन्ह परिपाटी लेंगे तब। ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा 1 बाई म्यू, 1 बाई यू, देखो आपको माइनस मिल रहा है तो ये भी आपको माइनस, क्योंकि हमने एक बार एक जगह तो हमने चिन्ह परिपाटी यूज़ कर लिया था यू में, अगर आपको याद हो तो मैं वहाँ पर आपको दिखाया था कि U जो है प्लस आ रहा था, याद करिए U प्लस आ रहा था, तो मैंने कहा था कि यहाँ पर चिन्ह परिपाटी नहीं लेंगे, तो यहाँ तो मैंने चेंज कर दिया था, यहाँ चेंज नहीं किया था मैंने, ये मैंने रह गया था, तो यहाँ पर मैंने ध्यान नहीं दिया था। ये भी 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू लेंगे, चिन्ह परिपाटी यहाँ पर भी नहीं लेते, यहाँ पर हमने नहीं लिया था, यहाँ पर भी नहीं लेना था, तो प्रॉब्लम ये हो गई कि यहाँ पर मैंने हटा दिया लेकिन यहाँ पर रह गया, तो इसको आप प्लीज़ हटा लीजिएगा बेटा पिछले लेक्चर में भी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अगर आप कहोगे तो मैं एक लेक्चर नया डाल दूंगा इस पर, अगर आपको किसी को नहीं समझ में आ रहा है या प्रॉब्लम हो रही है तो मैं एक नया लेक्चर इस पर डाल दूंगा, बना दूंगा, बट मैंने वहाँ पर चिन्ह परिपाटी एक जगह हटाया था, एक जगह रह गया था बेटा। ठीक है, तो जो चिन्ह परिपाटी के हिसाब से देखें तो ये माइनस रहेगा। ठीक है, और 1 बाई आर वन क्या हो गया है, 1 बाई आर वन, आर वन इक्वल्स टू प्लस आर, लेकिन आर टू इक्वल्स टू माइनस आर है, तो ये माइनस आर आ जाएगा, ये प्लस आर लिखा था मैंने और ये माइनस आर, तो आप देखेंगे क्लियर कि यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं कि 1 बाई एफ इक्वल्स टू म्यू माइनस वन मल्टीप्लाई आ जाएगा बेटा 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर के, तो इसको आप सीधे सीधे से लिख सकते हैं कि 1 बाई एफ जो है बेटा ये बराबर है म्यू माइनस वन मल्टीप्लाई बाई आ जाएगा बेटा 2 बाई आर के। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं, यहां से आप फोकस अगर निकालेंगे, ठीक है यहां से आपको अगर फोकस निकालना है तो मैं इसको यहां लिख रहा हूं, या आप इसका अगर 1 बाई एफ जो लिखा है उसका फोकस लिखेंगे, एफ सिर्फ फोकस कितनी होनी चाहिए, इस लेंस की फोकस कितनी है, तो फोकस निकालेंगे तो यह आ जाएगा आर डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ म्यू माइनस वन, आर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ म्यू माइनस वन, क्योंकि आर बाई टू
2 बाई आर यहाँ है तो बदलेंगे तो आर ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा और 2 के साथ मल्टीप्लाई किसका है, म्यू का, तो 2 टाइम्स ऑफ म्यू माइनस 1। और ये आप देख सकते हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी निकल के आएगी। अब जो भी आप पदार्थ का अपवर्तनांक रखेंगे, जिसमें आपको दिखाऊंगा कि यदि यदि आप चाहो तो म्यू बराबर लिख सकते हो, म्यू अगर मैं मान लूँ कि ये म्यू जो है ये बराबर है कांच, म्यू कांच के, ये कांच का बना है तो कांच के लिए क्या होता है म्यू का मान 1.5, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है 1.5, तो आप एफ इक्वल्स टू निकाल सकते हैं यहाँ से आर। अब आर तो आपको पता नहीं, देखो त्रिज्या आपको नहीं दी गई है कि इसका त्रिज्या कितना है, त्रिज्या आपको सवाल वगैरह में दिया रहेगा, तो 2 टाइम्स ऑफ लिखेंगे म्यू माइनस 1 मतलब 1.5 माइनस 1, 1.5 में से 1 घटाएंगे तो 0.5 बचेगा, 0.5 का मतलब हो जाएगा बेटा आर बाई 2 इंटू 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, तो मतलब एफ इक्वल्स टू देख सकते हैं क्या आ गया बेटा प्लस आर के। तो फोकस दूरी जो आ रही है लेंस की, कौन से लेंस की बेटा, उत्तल लेंस की, वो क्या आती है पॉजिटिव आती है। इसलिए मैंने आपको लिखवाया था, नोट लिखवाया था कि फोकस दूरी जो उत्तल लेंस की होती है वो पॉजिटिव हुआ करती है जबकि अवतल लेंस की नेगेटिव होगी। अभी मैं दिखाता हूँ अवतल लेंस के लिए, पहला था उत्तल लेंस के लिए, दूसरा देख लेते हैं अवतल लेंस के लिए। तो सेकेंड है हमारा अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस कैसा कि दोनों साइड की त्रिज्याएं इसकी भी आपस में बराबर हैं, ऐसा अवतल लेंस जिसकी दोनों साइड की त्रिज्याएं बराबर हैं। तो इसमें R1 को आप देख सकते हैं ये है, इस साइड की त्रिज्या को R1 और इस साइड की त्रिज्या को हम R2 लेंगे दूसरी सतह को। अच्छा, यहां आपको इतना पता है कि R1 जो है बेटा बराबर है, अगर देखो तो R1 इधर घुमा हुआ है तो R1 बराबर माइनस R होगा और R2 बराबर हम लेंगे तो ये प्लस R आएगा। दोनों को हम मान रहे हैं कि R1 R2 आपस में बराबर है, मतलब इधर इधर का झुकाव और इधर का झुकाव दोनों तरफ का झुकाव बराबर है, कर्वेचर दोनों तरफ का बराबर है, तो ये माइनस R हो जाएगा, ये प्लस R हो जाएगा, ठीक है। अब लेंस निर्माता सूत्र से अगेन, ठीक है, लेंस निर्माता सूत्र से अगर मैं फिर से देखूँ इसको, इसमें भी अप्लाई करूँ, देखिए क्या रिजल्ट मिलेगा। आप देखेंगे कि माइनस आर आएगा, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, लेंस निर्माता सूत्र से 1 बाई एफ इक्वल्स टू देखेंगे ये हो जाएगा म्यू माइनस 1, 1 बाई आर 1, आर 1 के बराबर क्या है बेटा आर, वो भी माइनस का, फिर माइनस चिन्ह होता है यहां पर, और 1 बाई आर 2, आर 2 का जगह क्या है बेटा प्लस आर। क्लियर, हल करिए इसको, इसको हल करेंगे तो यह आ जाएगा बेटा 1 बाई एफ इक्वल्स टू आ जाएगा बेटा इक्वल टू 1 माइनस म्यू माइनस 1, और ये आ जाएगा बेटा माइनस, ये भी है और ये भी माइनस, तो मतलब ये आ जाएगा माइनस 2 डिवाइड बाई आर के, ठीक है, माइनस 2 डिवाइड बाई आर। तो यहां से अगर मैं फोकस निकालू, सिर्फ एफ निकालू, तो एफ इक्वल्स टू आ जाएगा बेटा, आप देखेंगे एफ इक्वल्स टू आ जाएगा 1 बाई एफ इक्वल्स टू इतना है तो ये आ जाएगा माइनस आर डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ म्यू माइनस 1 के, ये आपको दिखेगा। यदि हम मान लें यदि म्यू जो है वो भी इस बार भी म्यू कांच हो, अगर आप पदार्थ को मैं मान लूँ कांच का लेंस बना है, ये कांच का लेंस मान लेता है, इसका फोकस मैंने f मान रखा है, ठीक है, अब पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव देखते हैं, तो म्यू कांच का कितना होता है 1.5, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है 1.5, तो f इक्वल्स टू आप देखेंगे जैसे ही रखूँगा तो 1.5 माइनस 1 मतलब 0.5, 0.5 को 1 बाय 2 लिख सकते हैं, 0.5 को 1 बाई 2 तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या माइनस आर के, तो आप देख सकते हैं क्लियरली फोकस दूरी क्या आती है ऋणात्मक। तो अब एक चीज याद रखिएगा कि अवतल लेंस की, यहां पर मैं लिख देता हूं उत्तल लेंस की बेटा, पहले तो उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और यहां पर मैं लिख रहा हूं अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है।
ये नोट पॉइंट याद रखिएगा दोनों लेंस के लिए, उत्तल और अवतल, क्योंकि आपको बार बार इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा, ये तो परफेक्ट अवतल था और ये परफेक्ट उत्तल लेंस था। अब अगर परफेक्ट उत्तल लेंस और अवतल लेंस ना हो, थोड़ा सा डिफरेंट हो, तो क्या होगा? तो हम बात करते हैं अगले लेंस की। तीसरा मैं ले रहा हूं समतल उत्तल लेंस, जिसको हम समोत्तल लेंस बोलते हैं। समोत्तल, या इसको हम बोलते हैं समतल उत्तल लेंस। ठीक है, तो समतल उत्तल लेंस मतलब एक साइड समतल है, ठीक है, एक साइड इसकी समतल है और दूसरे साइड इसकी उत्तल है। तो R1 पहली सतह अगर देखे तो पहली सतह ये होगी, और R2 अगर देखो तो दूसरी सतह कौन सी होगी बेटा? ये होगी। तो दो सतह हो गई इसमें। इसकी फोकस मैं मान के चल रहा हूँ कि F है, यही निकालना है। यहाँ आप देखेंगे चित्र में, तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर R1 को अगर देखें तो R1 क्या है, एकदम सीधा है, फ्लैट है। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी बेटा? इसकी त्रिज्या, अब वक्रता त्रिज्या इधर की तरफ लेंगे, कहाँ पर आएगी? अनंत पर कहीं आएगी, लेकिन आएगी ऋणात्मक, तो माइनस अनंत। और R2 को अगर देखेंगे आप, तो R2 बराबर क्या है? R2 भी इधर की तरफ घूमी है, तो माइनस R ले लेते हैं, R2 बराबर माइनस R। त्रिज्या में R मान के ही चल रहा हूँ, ठीक है, सबके लिए। अच्छा, तो अब इसको अप्लाई करते हैं लेंस निर्माता के सूत्र से, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होगा। ठीक है, लेंस निर्माता के सूत्र से, लेंस निर्माता का सूत्र इसके लिए अगर मैं लगाऊंगा बेटा, तो क्या देखने को मिलेगा कि 1 बाई एफ इक्वल्स टू आ जाएगा बेटा म्यू माइनस 1, और 1 बाई आर 1, आर 1 की वैल्यू कितनी है बेटा? माइनस अनंत। ठीक है, माइनस लग जाएगा 1 बाई आर 2, आर 2 की वैल्यू क्या है बेटा? माइनस आर। अब आप जानते हैं 1 बाई अनंत की वैल्यू क्या होती है बेटा? जीरो। तो ये जीरो हो जाएगी, हमारे पास बचेगा 1 बाई एफ इक्वल्स टू आ जाएगा म्यू माइनस 1, और इनटू में आ जाएगा माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा 1 बाई आर के। तो यहीं से आप देख सकते हैं कि फोकस अगर मैं निकालूंगा तो फोकस बराबर एफ इक्वल्स टू आ जाएगा आर डिवाइड बाई म्यू माइनस 1। अब आप देखेंगे तो ये पॉजिटिव आ रहा है। क्यों आ रहा है पॉजिटिव? क्योंकि ये उत्तल लेंस है, समतल उत्तल है, इसलिए पॉजिटिव आया है। समतल उत्तल, इसलिए फोकस क्या आया? पॉजिटिव आया। अच्छा, यहीं पर अगर आपको मैं दिखाऊं, चौथा पॉइंट ले लूं, ठीक है, समतल अवतल लेंस की बात कर रहा हूं मैं, एक चीज और मैं इसमें आपको दिखा देता हूं। आपको लग रहा होगा कि सर ये वाला तो ठीक है, लेकिन क्या हो अगर मैं लेंस को पलट के रख दूं? सेम लेंस को मैं पलट के रख रहा हूं, ठीक है, तो इसमें दिक्कत कुछ नहीं आएगी, बस सेम चीज है। ये इस बार त्रिज्या ये आर वन हो गई और ये आर टू है, ये त्रिज्या R2 है। यहां आप देखेंगे तो यहां आपको क्या दिखेगा? देखो सेम लेंस है, समतल उत्तल लेंस ही है, समतल उत्तल लेंस, यही वाला लेंस, बस ऐसे रखा ना, इसको मैंने पलट के रख दिया, ठीक। तो देखते हैं क्या कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं, एक बार देख लेते हैं, फिर समझ जाएंगे कि अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो सबके लिए नहीं पड़ेगा, अगर पड़ रहा है तो फिर सबके लिए फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो यहां आर वन को देखें तो किधर घूमा बेटा? उधर की तरफ, क्या है? प्लस आएगा आर, और आर टू को मैं देखूंगा तो उधर की तरफ ही है, तो आएगा अनंत लेकिन प्लस का, ठीक। आइए रखते हैं मान, लेंस निर्माता सूत्र में फिर से आ जाते हैं। अतः मैं यहां पर बार बार नहीं लिख रहा, अतः अगर मैं लिखूं 1 बाई एफ इक्वल्स टू ये म्यू माइनस 1, और मल्टीप्लाई बेटा आ जाएगा 1 बाई आर 1, आर 1 की वैल्यू क्या है बेटा? आर, और माइनस 1 बाई आर 2, आर 2 की वैल्यू कितनी है? अनंत। अनंत की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? जीरो। तो आप देखेंगे 1 बाई एफ इक्वल्स टू आपको देखने को मिलेगा म्यू माइनस 1, और यहाँ पर सिर्फ 1 बाई आर है। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पे आया था म्यू माइनस 1 1 बाई आर, वही चीज़ आ रहा है, अर्थात यहाँ से आप एफ इक्वल्स टू निकालेंगे तो सेम चीज़ मिलेगी, और ये आ जाएगी आर डिवाइड बाई, वो भी प्लस का आर डिवाइड बाई हो जाएगा म्यू माइनस 1 के, क्लियर है। तो आप देखेंगे फोकस दूरी जो हो रही है बेटा वो आपको सेम मिलेगी। तो आप लेंस को ऐसे रखें या ऐसे रखें, लेंस की प्रॉपर्टी नहीं चेंज होने वाली है, ठीक है।
लेंस को आप, लेंस का समतल हिस्सा आप पहले बाएं तरफ रखें या समतल हिस्सा दाएं तरफ रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेंस वैसा ही व्यवहार करेगा दोनों तरफ से, ठीक है। लेंस के फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, चाहे उसको आप पलट के रखें चाहे सीधा रखें, क्लियर। तो ये याद रखिएगा, समतल उत्तल लेंस लिख दिया तो समतल उत्तल लेंस का यही होगा, चाहे उसको आप जैसा रखें, है ना। तो ये याद रखें। अब आगे भी इस तरह समतल अवतल लेंस होगा तो उसको भी पलट कर रख सकते हैं दो तरफ से। तो आप एक बार ही निकाल रहा हूं, मतलब दोनों के लिए सेम आएगा, ये पता चल गया। तो अवतल के लिए भी निकालूंगा तो सेम ही आएगा। चलिए तो चौथा पॉइंट लेते हैं, यहां पर समतल अवतल लेंस की बात करते हैं। समतल अवतल लेंस की बात कर रहा हूं बेटा मैं यहां पर। तो चित्र बना लेते हैं समतल अवतल लेंस का। समतल अवतल, ठीक है। तो एक तरफ समतल है, एक तरफ अवतल है। तो ये मैं R1 मान लूं, अच्छा इसको मैं पलट के रख सकता हूं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये R2 है, ये रखूं या मैं इसको ऐसा पलट कर रख लूं, एक ही बात है, या मैं इसको ऐसे बनाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रखो या ये रखो, एक ही बात है, ठीक है, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप जैसा भी मानना चाहें वैसा मान सकते हैं। फिलहाल मैं इस तरह के इस चीज को मैं बना रखा है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहां पर आप देखेंगे तो यहां आपको देखने को मिल रहा है कि यहां पर मैं मान रखा हूं आर वन, और आर वन किधर है बेटा, ये है। तो आर वन बराबर क्या है, माइनस अनंत के, और आर टू बराबर देखेंगे तो उधर की तरफ घूमा है तो प्लस आर मान लेते हैं, ठीक, क्योंकि ये घूमा हुआ है तो इसकी कुछ ना कुछ त्रिज्या होगी, तो R मान लिया। और ये सीधा है तो इसकी त्रिज्या अनंत होती है, सीधी समतल सतह की त्रिज्या कितनी होती है, अनंत, जैसे समतल दर्पण की भी हो रही थी अनंत हो रही त्रिज्या, ठीक है, वैसे। अतः फोकस इसका अगर मैं F मान के चलूं तो अतः 1 बाई F इक्वल्स टू, लेंस निर्माता का सूत्र ही लग रहा है हर बार, है ना, तो आपको पता चल रहा है 1 बाई R1, R1 की वैल्यू कितने बेटा अनंत, ठीक है, माइनस अनंत लिखिए प्लस अनंत कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे चाहे लिखना चाहो तो लिख लो, माइनस वन बाई आर टू, आर टू की वैल्यू क्या बेटा माइनस, सॉरी प्लस आर, तो प्लस आर। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो वन बाई एफ को आप देख सकते हैं यहां पर, वन बाई एफ इक्वल्स टू आ जाएगा म्यू माइनस वन, और यहां पर ये तो आपको जीरो देख रहा है, बचा क्या बेटा माइनस वन बाई आर, क्लियर है। तो इसको मैं हल करूंगा तो आपको देखने को मिलेगा कि 1 बाई एफ इक्वल्स टू, अगर मैं निकालू 1 बाई एफ इक्वल्स टू, तो ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है बेटा माइनस का म्यू माइनस 1 और डिवाइड बाई आर के दिख रहा है, या इसको मैं लिखूं, ठीक है, या आप बोल सकते हैं यहीं पर, या आप इसको लिख सकते हैं एफ इक्वल्स टू देखूं तो एफ इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस आर डिवाइड बाई म्यू माइनस 1 के। अच्छा, ये वाला जो फोकस दूरी मिल रहा है आप देखेंगे तो ये नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि ये अवतल है और अवतल की फोकस दूरी नेगेटिव देखने को मिलेगी। उत्तल था तो फोकस दूरी इतनी ही मिल रही थी, देखो मान उतना ही मिल रहा है, आर बाई म्यू माइनस वन, आर बाई म्यू माइनस वन, लेकिन चिन्ह क्या है माइनस, चिन्ह क्या है धनात्मक। तो ये याद रखें, उत्तल आएगा तो पॉजिटिव आएगा, उत्तल लेंस अगर डोमिनेंट होगा, उत्तल लेंस का प्रभाव अगर ज्यादा है तो चिन्ह आपको धनात्मक देखने को मिलेगा, अगर अवतल लेंस का प्रभाव ज्यादा देखने को ज्यादा है तो अवतल लेंस का आपको ऋणात्मक चिन्ह देखने को मिलेगा अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी, ठीक है। ये याद रखें, छोटी छोटी बेसिक सी चीजें हैं जिसको आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब इसको पलट के भी करेंगे तो कोई फायदा नहीं, सेम चीज आएगा, ठीक है। तो चार लेंस है, हालांकि आपको चार लेंस ही सही मायने में सीखने हैं, एक डिफरेंट टाइप का लेंस मैं बता दे रहा हूं, हालांकि जरूरत है नहीं आपको, बट मैं फिर भी दिखा देता हूं आपको। पांचवा लेंस है बेटा उत्तल अवतल लेंस, यहां पर ध्यान दे तो शब्द पर थोड़ा सा जाइएगा, उत्तल अवतल लेंस, पहली सतह उत्तल होगी, दूसरी सतह अवतल होगी, ठीक है। तो उत्तल उत्तल और अवतल लेंस,
तो आप देखेंगे ये सतह छोटी है, ये सतह जल्दी घूम रही है, ये सतह का घुमाव जल्दी है। बाहर वाली जो R1 है अगर मैं देखूं तो वो ये है, R2 को अगर मैं देखूं तो ये है। अब दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग है तो मैं यहां पर प्लस माइनस नहीं मान सकता, सॉरी यहां पर आर आर नहीं मान सकता, बस प्लस माइनस लूंगा। अब दोनों को देखूंगा तो दोनों एक ही तरफ घूमे। यहां पर ये याद रखिएगा कि आर वन, यहां पर सिंपल सी बात है कि आर वन जो है, आर वन का मान जो है, R1 का जो मान है, R1 क्योंकि छोटा गोला बनाएगा और ये बड़ा गोला बनेगा। R2 को देखो तो ये कम झुका हुआ है, मतलब ये बड़ा गोले का पार्ट है और ये छोटे गोले का पार्ट है। तो सिंपल सी बात है कि R1 इज लेस देन है R2 के मान में, ठीक है। अगर सिर्फ मान में देखूं तो R2 का मान ज्यादा बड़ा आएगा, R1 का मान कम आएगा, ठीक है। अच्छा, यहां आप देख सकते हैं एक चीज और इसके साथ, यहां R1 जो है वो क्या बेटा पॉजिटिव है और R2 को भी हम क्या लेंगे बेटा पॉजिटिव, क्योंकि दोनों एक तरफ घूमे हैं। चाहो तो आप पलट के रख लो, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। दोनों को पॉजिटिव लेंगे उस तरफ रखा है तो दोनों पॉजिटिव, इसको पलट के रख लेंगे तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, क्लियर। तो लेंस निर्माता सूत्र पे चले आते हैं, लेंस निर्माता सूत्र पे आएंगे तो बता यहाँ से आ जाते हैं लेंस निर्माता सूत्र पर। तो वन बाई एफ, अगर मैं इसकी फोकस दूरी एफ मान के चल रहा हूँ तो यह आ जाएगा म्यू माइनस वन, और 1 बाई आर वन, आर वन की वैल्यू क्या है बेटा पॉजिटिव, और माइनस 1 बाई आर टू। तो ये इसी प्रकार से देखने को मिलेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा क्योंकि आर टू भी प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, तो यही रहेगा। अच्छा, ये तो हो गया ये। अब इसको पलट के भी अगर मैं रखूंगा तो देखो, पलट के रखूंगा तो क्या होगा, दोनों चिन्ह माइनस हो जाएंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो आपको देखने को मिलेगा सेम चीज, सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप पलट के रख के देख लीजिए। अच्छा, छठवां एक और है, सिक्स नंबर एक और है बेटा। जैसे हमने लिया था उत्तल अवतल लेंस, अच्छा उत्तल अवतल है तो देखो धनात्मक आएगा, मान देखेंगे तो धनात्मक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको इस प्रकार से निकालेंगे तो इसका मान आपको धनात्मक देखने को मिलेगा, दोनों उस तरफ ही घूमे हुए हैं, पहली सतह भी उधर घूमी है, दूसरी सतह भी उधर ही घूमी है, ठीक है। तो इधर से तो उठा है, उधर से झुका है, तो सब उत्तल और अवतल दो सतह हो गई। अच्छा, अब दूसरा अगर मैं देखूं, अच्छा ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इसके लिए फोकस इसका जो होगा, फोकस क्या आएगा बेटा, इसका फोकस पॉजिटिव आएगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि यहां पर उत्तल जो है वो डोमिनेंट है अवतल पर, ठीक है। डोमिनेंट मतलब कि वो उसका प्रभाव ज्यादा है उत्तल का, अवतल का कम होगा, ओके। अब आर टू की वैल्यू, अब दूसरी वैल्यू बात करते हैं, दूसरी की बात करते हैं, समतल अवतल हो गया, उत्तल अवतल हो गया, अब अवतल उत्तल की बात करते हैं। एक मिनट, मैंने शायद थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है, ध्यान दे लेता हूं एक बार। R1 की वैल्यू छोटी है, इसकी वैल्यू बड़ी है, तो बड़ी है तो छोटी, हाँ ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव आएगा क्योंकि बटे में है ना, 1 बाई आर है, तो ये छोटी संख्या से भाग देंगे तो बड़ा नंबर मिलेगा, बड़ी संख्या से भाग देंगे तो छोटा नंबर मिलेगा, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। अवतल उत्तल लेंस की बात करते हैं, जैसे उत्तल अवतल था तो अवतल उत्तल में आपको देखने को मिलेगा बेटा अवतल उत्तल, इसको थोड़ा और सही से बनाते हैं, ठीक है। तो ये इधर से अवतल है, इधर से उत्तल है, दिख रहा है, इधर से उठा हुआ है, इधर से झुका हुआ है। तो ये R1 में मान लेता हूँ इसको, और इसको मैं R2 मान लेता हूँ। चाहो तो इसको आप पलट के रख लो, उसको इधर कर लो, इसको उधर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसको थोड़ा पतला बनाना चाहिए था मुझे, बहुत मोटा दिख रहा है, अजीब सा दिख रहा है ये, तो थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं, ठीक है। ठीक, ये R2 है, यहाँ आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप देखें तो R1 भी इधर ही घूमा है, तो R1 क्या है बेटा, R1 देखेंगे तो नेगेटिव दिखेगा और R2 देखेंगे तो वो भी नेगेटिव दिखेगा, क्लियर। अब यहाँ पर जब मान रखेंगे, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर ये वाली सतह देखो, ये वाली सतह अवतल है और ये वाली उत्तल, इस बार R2 बड़ा है, उत्तल सतह बड़ी है, अवतल सतह छोटी है, तो यहाँ पर R2 इज ग्रेटर देन R1 है, अर्थात उत्तल सतह की त्रिज्या बड़ी है, अवतल सतह की त्रिज्या
छोटी होगी, क्लियर है। इस सतह की त्रिज्या छोटी होगी, इस सतह की त्रिज्या बड़ी होगी, ये ज़्यादा दूर में घूमेगा और ये कम घूमेगा। तो इसको थोड़ा सा देखने में अजीब सा लग रहा है, थोड़ा सा परफेक्ट चित्र होना चाहिए, बट ठीक है, आप समझ जाएंगे। वन बाई एफ बराबर अगर मैं निकालूं यहां पर, इधर करते हैं इसको, अतः मैं निकालूं यहां से, इसका फोकस एफ मान के मैं चल रहा हूं, ठीक है। तो वन बाई एफ इक्वल्स टू आ जाएगा म्यू माइनस वन मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा बेटा वन बाई आर वन। आर वन क्या आएगा, नेगेटिव, तो वन बाई माइनस आर वन माइनस वन बाई आर टू, आर टू भी क्या है, माइनस आर टू हो जाएगा, ठीक। तो इसको हल करेंगे तो वन बाई एफ आप देखेंगे ये बराबर आ जाएगा म्यू माइनस वन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन ये माइनस चिन्ह रहेगा, या तो मैं माइनस चिन्ह बाहर ले लूँ, तो अगर मैं माइनस चिन्ह बाहर ले लूँ बेटा, ठीक है, तो माइनस चिन्ह अगर मैं बाहर निकाल लेता हूँ इसके अंदर से, ये माइनस कॉमन ले लूँ तो अंदर वही बचेगा वन बाई आर वन और माइनस वन बाई आर टू ही बचेगा। तो आप देखेंगे इस बार जो फोकस आपको मिल रहा है ये नेगेटिव मिल रहा है, अर्थात फोकस जो आएगा इस बार आप देख सकते हो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसके लिए जो फोकस प्राप्त होगा बेटा वो क्या होगा, नेगेटिव प्राप्त होगा, अर्थात कि अवतल का जो डोमिनेंट बिहेवियर है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जो उत्तल और अवतल दोनों का कॉम्बिनेशन होने के बावजूद भी जो प्रभाव दिखेगा, जिसके फोकस का प्रभाव ज़्यादा रहेगा वो है अवतल लेंस, ठीक है। तो अवतल लेंस के फोकस का प्रभाव ज़्यादा होगा। वैसे भी आप देखेंगे आर टू की वैल्यू बड़ी है तो ये छोटी संख्या हो जाएगी और ये बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे तो पॉजिटिव संख्या, और यहाँ पर चिन्ह नेगेटिव लिया है तो नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, मतलब नेगेटिव फोकस आपको देखने को मिलने वाला है, क्लियर है ना। तो इस प्रकार से याद रखें, बिल्कुल बहुत ही बेसिक सी चीज़ है लेकिन बहुत ही अच्छी चीज़ है। और मैं एक आपको राज की बात बताऊँ, तो राज की बात यह है बेटा, मतलब राज किसी लड़के की बात नहीं कर रहा मैं राज की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये टॉपिक जो आपको पढ़ाया, ये सारी चीज़ें आईआईटी का एग्ज़ाम हो, आईआईटी जिसको हम जेई बोलते हैं, जेई का एंट्रेंस एग्ज़ाम, या आप नीट की एंट्रेंस एग्ज़ाम को अगर उठा के देखेंगे तो यहाँ से इस चैप्टर से बहुत सारे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और इन्हीं केस पर पूछे गए हैं। इस केस पर आपको देखने को मिलेंगे ऑलमोस्ट हर एक साल की अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि अब जेई में बहुत सारे अटेम्प्ट होते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं, बहुत सारे पेपर हो रहे हैं, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा अलग अलग शिफ्ट में पेपर हो रहे हैं, तो आपको देखने को मिलेगा 7 से 8 क्वेश्चन तो आपको हर साल देखने को मिल जाएगा जेई जेई में। नीट में भी 1 से 2 क्वेश्चन हर साल देखने को मिलते हैं, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम एक ही बार होता है साल में, इसलिए उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको कम देखने को मिलते हैं। आईआईटी जेई में क्योंकि 2 बार हो रहा है और 2 बार में भी कई शिफ्ट में हो रहा है तो बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मतलब मैं बोल सकता हूँ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम को भी देख रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़िएगा और बच्चों के साथ शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो वीडियो पसंद आए तो थोड़ा लाइक वाइक ठोकते रहें, तो ये सब देखते रहिए, ध्यान रखिएगा आप। अच्छा, तो ये तो बात हो गई यहाँ तक की, टॉपिक की बात कर ली हमने, अब एक छोटा सा क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। आइए एक प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है एक सुई को लेंस से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर, कहाँ पर, 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर प्रतिबिंब जो है दूसरी ओर पर्दे पर 90 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है, 90 सेंटीमीटर पर प्राप्त हो रहा है। लेंस को पहचानिए, कह रहा है लेंस को पहचानो तथा इसकी फोकस दूरी ज्ञात करो। कौन सा लेंस है, हमें नहीं पता है कौन सा लेंस है, नहीं पता है। हाँ, यहां पर एक हिंट दे रखा है कि प्रतिबिंब का जो आकार है क्या होगा यदि सुई का आकार 5 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा सुई का आकार अगर 5 सेंटीमीटर है, तो थोड़ा सा आपको यहां पर ध्यान रखने वाली चीजें हैं। 90 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त हो रहा है, 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, ठीक है, तो 45 × 90 है, डबल दूरी पर प्राप्त हो रहा है, यू और वी में संबंध आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें, अगर ध्यान दें तो आपको दे रखा है यू बराबर दे रखा है बेटा कितना, 45 सेंटीमीटर, वी बराबर दे रखा है
90 सेंटीमीटर। प्लस है कि माइनस है, यह हमें पता नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मैं उत्तल लेंस मानूंगा तो V पॉजिटिव लूंगा, लेकिन अगर मैं अवतल लेंस मानूंगा, ठीक है, अवतल लेंस मानूंगा बेटा, तो अवतल लेंस में एक चीज तो आप जानते हैं कि दो ही केस होते हैं। अवतल लेंस में दो ही केस हैं। अवतल लेंस के सामने जब आप वस्तु को रखते हैं तो जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, सीधा बनेगा, और वस्तु से हरदम छोटा बनेगा। तो प्रतिबिंब का आकार दे रखा है, वस्तु का आकार पता करना है, ठीक है। तो हमें यहां पर आवर्धन सूत्र याद आ रहा है, लेंस के आवर्धन का सूत्र हमें याद आ रहा है। अब लेंस के आवर्धन का सूत्र तो आपको थोड़ा सा पता ही होना चाहिए, 1/V - 1/U, ऐसा ना? ना, वो वाला नहीं। एम इक्वल्स टू वी बाई यू, आई बाई ओ, एच बाई एच, एच डैश बाई एच, जो हम फॉर्मूला लेते हैं वही फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो यहां पर ये दो चीजें दे रखी है। अच्छा, एक चीज मुझे यहां पर पता चल रहा है कि भैया उत्तल लेंस होगा, अवतल तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि 45 सेंटीमीटर पर रखेंगे तो वस्तु जो है, अगर 45 सेंटीमीटर पर रखी जा रही है, देखो दो स्थितियां होती हैं अवतल लेंस में, अवतल लेंस के सामने दो स्थितियां हैं, या तो आप अनंत पर रख दो या अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच कहीं भी रख दो। रखेंगे तो हर बार जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा इसका, वो जो द्वितीयक फोकस है और जो प्रकाशिक केंद्र है इसके बीच में ही, यहीं पर प्राप्त होगा। हर बार जो दर्पण, सॉरी, जो जो प्रतिबिंब बनेगा वो छोटा सा बनेगा, ठीक है, मतलब अच्छा यहां बनेगा, इधर बनेगा, छोटा बनेगा हर बार, और इधर ही बनेगा, उस तरफ तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये अगर आने वाली प्रतिबिंब को देखो तो ये दूर ले जाएगा, तो इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये एक जगह पर यही पर इधर ही बनाएगा प्रतिबिंब, उधर तो बनाएगा ही नहीं। लेकिन ये कह रहा है दूसरी ओर बन रहा है, तो दूसरी ओर किस में बनेगा? उत्तल में बनेगा, क्योंकि उत्तल लेंस क्या करता है, आने वाली प्रकाश को दूसरे तरफ ले जाता है, ये तो उसी तरफ ले आ रहा है, ये तो फैलाएगा ना, तो अवतल लेंस तो हो नहीं सकता, होगा क्या? उत्तल लेंस। पता चल गया आपको, इतना तो पता चल गया ना, उत्तल लेंस भैया, उत्तल लेंस है, ठीक है, उत्तल लेंस है। तो अब देख लेते हैं, उत्तल लेंस एक बनाते हैं और थोड़ा सा चीजों को ध्यान से देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक। अच्छा, ये है एक उत्तल लेंस, यहां पर हम मान लेते हैं कि भैया ये रखी है सुई, और सुई रखी है 45 सेंटीमीटर पर, तो हमें पता चल गया U बराबर है -45 सेंटीमीटर, क्योंकि प्रकाशिक केंद्र से इधर आएंगे दूरी मापने के लिए। अच्छा, इसका प्रतिबिंब बन रहा है इधर, और इधर जब प्रतिबिंब बनेगा तो क्या बनेगा बेटा? उल्टा बनेगा, इतना तो पता चल रहा है, क्योंकि 90 सेंटीमीटर पहली बात तो बन रहा है, लेकिन बनेगा कैसा? वास्तविक बनेगा, तो कैसे बनेगा? उल्टा। ये क्या होगा, दूरी यहां से क्या होगी? 90 सेंटीमीटर, V बराबर, और ये आएगा पॉजिटिव, उल्टा बनेगा। लेकिन अब इसके आकार की बात करें तो इसका आकार मैं मान लेता हूं H है, और इसका आकार मान लेता हूं H डैश है, ठीक, आकार मान लिया हमने। अच्छा, इसकी फोकस वोकस नहीं पता है हमें, इसका फोकस हम F मान के चल रहे हैं, ठीक है, लेंस का फोकस नहीं दे रखा है। तो U तो नेगेटिव हो गया, V हो गया पॉजिटिव, F निकाल लेते हैं, निकाल ले, चलिए। तो F बराबर पहले निकालते हैं क्या होगा, तो लेंस सूत्र से, लेंस निर्माता सूत्र नहीं बेटा, लेंस सूत्र से 1/F इक्वल्स टू होता है 1/V - 1/U, तो 1/F इक्वल्स टू आ जाएगा 1/V, V की वैल्यू कितने बेटा? 90 - 1/45, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1/F इक्वल्स टू आप निकालेंगे तो 90 और 45 का आ जाएगा 90, ये हो जाएगा 1, प्लस हो जाएगा 2, ठीक है, सही है ना, ठीक है। तो 2 × 3 हो जाएगा, मतलब F बराबर आप देखेंगे तो आ जाएगा 90/3, तो 3 × 9 मतलब 30 सेंटीमीटर, वो भी पॉजिटिव आएगा। तो फोकस दूरी आप जानते हैं उत्तल लेंस की क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, और आ गए 30 सेंटीमीटर। तो ये एक तो फोकस आपको निकालना था, फोकस दूरी, इसका आंसर मिल गया, पहले पार्ट का आंसर हो गया। प्रतिबिंब का आकार निकालना है आवर्धन सूत्र से, आवर्धन सूत्र से आप जानते हैं कि M बराबर होता है H डैश बाई एच, ठीक है। और एक फॉर्मूला और होता है, फॉर्मूले में कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को,
कि v बाई यू होगा या फिर माइनस v बाई यू होगा। अगर देखो हम देखें तो ये उल्टा प्रतिबिंब आएगा वास्तविक प्रतिबिंब में, तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m का मान हरदम नेगेटिव आना चाहिए। आइए देखते हैं कौन से फॉर्मूले से आएगा। तो अगर मैं v का मान देखो, आपको आपको देखो अगर ये छोटा सा कॉन्सेप्ट पता है तो ये कन्फ्यूजन आप कैसे दूर कर सकते हैं, मैं ये दिखा रहा हूँ। v बाई यू माइनस v बाई यू, अब ये एक इसमें से लेंस के लिए होता है, एक इसमें से दर्पण के लिए है। ये दर्पण के लिए है कि ये दर्पण के लिए है, ये लेंस के लिए है कि ये लेंस के लिए है, बच्चे बहुत कन्फ्यूज रहते हैं। ठीक है, मैं भी जब आप जैसे पढ़ रहा था तो मैं भी हो जाता था। ठीक है, ये इस फॉर्मूला सेम रहता है, इसको हम आई बाई ओ भी लिख सकते हैं, इमेज डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट, दोनों का आकार, इमेज का आकार डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट का आकार। ठीक है, अच्छा यहां पर ये फॉर्मूला आप कैसे देखें, तो हमें एक चीज पता है कि m की वैल्यू नेगेटिव आएगी वास्तविक के लिए, पॉजिटिव आएगी आभासी के लिए। अब यहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो मतलब जो m की वैल्यू है किसके लिए वास्तविक प्राप्त हो रही है, नेगेटिव प्राप्त हो रही है। v की वैल्यू अगर मैं देखूं तो क्या है, पॉजिटिव है। u की वैल्यू मैं देखूं तो क्या है, नेगेटिव है। तो इसको पॉजिटिव लेंगे, इसको नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव वैल्यू प्राप्त होगी, लेकिन इसको अगर देखो तो पॉजिटिव लेंगे तो ये नेगेटिव चिन्ह लगा है और ये नेगेटिव 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 कट जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव आंसर दे रहा है, m का पॉजिटिव मान दे रहा है और ये m का नेगेटिव मान दे रहा है। तो मतलब सही कौन सा है, ये वाला, ये वाला गलत है। ये किसके लिए है, ये होता है बेटा दर्पण के लिए, ये है लेंस के लिए। कौन सा, ये वाला। ठीक, तो हमारे पास फॉर्मूला है, ये तो चलो ठीक है, समझाने वाला हो गया पार्ट। अब निकाल लेते हैं इसको आवर्धन सूत्र से। तो m बराबर हमारे पास है एक फॉर्मूला h डैश बाई एच तथा m बराबर है हमारे पास v बाई यू के। तो दोनों फॉर्मूले क्योंकि सेम है तो मैं लिख सकता हूँ h डैश बाई एच बराबर लिख सकता हूँ v बाई यू। दोनों का मान रखते हैं, h डैश का मान मुझे निकालना है तो h डैश बटा h का मान हमें दे रखा है, सुई का आकार मतलब वस्तु का आकार 5 सेंटीमीटर है तो 5 बराबर आ जाएगा। V का मान कितना बेटा, क्योंकि सभी सेंटीमीटर में तो चेंज करने का मतलब नहीं है, 90 सेंटीमीटर है, V का मान 90 है और U का मान है -45, चिन्ह के साथ लेंगे बेटा। तो आप देखेंगे H डैश बराबर आपका आ जाएगा, ठीक है, 45 कम 45 45 दूना 90, तो -2 आ रहा है इधर, -2 है और ये हो जाएगा -10। ठीक है, 5 दूनी 10, तो -10 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा अब कहोगे कि सर -10 क्या है, तो माइनस चिन्ह बता रहा है बेटा उल्टा प्रतिबिंब। जब कोई एच डैश का मान रखे तो ये बताएगा उल्टा प्रतिबिंब, जिसको हम वास्तविक प्रतिबिंब भी बोलेंगे। ठीक है, और 10 सेंटीमीटर क्या है, आकार है। तो अगर मैं सिर्फ एच डैश लिखूं मॉड के साथ तो यह है सिर्फ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, मान देखे तो 10 सेंटीमीटर प्रतिबिंब का आकार 10 सेंटीमीटर ही है, ये आपको पता चल रहा है। तो इस तरह से आपको आंसर निकालना होता है, ऐसे आपको सीखना होता है। इस लेक्चर में मैं यहीं तक रखना चाहूँगा और नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिखा देता हूँ क्या पढ़ना है हमें। तो हम लेंस और दर्पणों का संयोजन थोड़ा सा पढ़ेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके लिए। ये अगेन 12th के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन ये IIT JEE का एग्ज़ाम हो, JEE एंड NEET के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है। ठीक है, थोड़ा सा बड़े लेवल पर टॉपिक आ जाता है ये, तो उस लेवल पर जाके आपको अगर सीखना है तो ये आपको हेल्प करेगा। अगर तैयारी आप करते हैं, एग्ज़ाम देने की ख्वाहिश रखते हैं आगे, तो बिल्कुल ये हेल्पफुल होगा। और अभी के लिए इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा कि इसको आपको आसान तरीके से समझा पाऊँ। और आप थोड़ा सा कोशिश करके आना कि एक बार देख लीजिएगा इसको, एक बार थोड़ा सा 2 मिनट 4 मिनट का टाइम निकाल के नेक्स्ट लेक्चर से पहले इसको एक बार देख लेना इस टॉपिक को, ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।